हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड जिसको हम कहते हैं, फील्ड कहाँ पर होगा? जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा वहाँ पर क्या होगा? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होगा? खेत। फील्ड मीन्स खेत। अब रहता नहीं आपका खेत है, ये उनका खेत है, उनका खेत है, होता है ना, उसी तरह से फील्ड है। आपके प्रभाव क्षेत्र में जो खेत होगा वो आपका हुआ, उसी तरह इस चार्ज के प्रभाव क्षेत्र में जो खेत होगा उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज यहाँ है तो जहां तक यह फोर्स लगा पाएगा, जिस स्पेस में ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में कुछ एरिया, एक मैग्नेट है उसके पास दूसरा मैग्नेट रखते हैं या कोई लोहा रखते हैं तो फोर्स लगाते खींचता है, कहीं भी रखिएगा तो खींचेगा नहीं ना, कहीं भी रखिएगा तो नहीं खींचेगा। उसके आसपास का एक सर्टेन रीजन होता है, सर्टेन स्पेस होता है, उसी में वह मैग्नेट फोर्स लगा है। उसी तरह इस चार्ज के कारण किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन रेंज में रखेंगे तभी उस पर फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज के चारों तरफ का उतना स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस कर सकता है वही स्पेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच एनदर चार्ज बॉडी कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हैं? वो स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ए स्पेस, एक जगह है जहां तक वह चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा है। ज्यादा पावरफुल चार्ज है तो इसका ज्यादा स्पेस होगा, कमजोर चार्ज है तो छोटा फील्ड होगा, बड़ा किसान है बहुत खेत है, छोटा किसान है तो कम खेत है, यही होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच एनदर चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द हाइपोथेटिकल लाइन पता है which represents the strength of electric field is called
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव, ये देखिए एरो जो दिखा रहा है इलेक्ट्रिक, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, समझने में कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है कितना ज्यादा पावरफुल फोर्स लगेगा और कहां पर लगेगा, वही लाइन क्या कहलाता है, फील्ड लाइंस कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ में है, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लीजिए, चारों तरफ का मतलब दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे इस कोण में मैंने इसके ऑल अराउंड इसके रेज निकलेगा, लाइंस निकलेंगे। ये वास्तव में होते नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन पढ़ने समय यह दिखाने के लिए कि कहां पर फील्ड ज्यादा होगा कहां फील्ड कम होगा, इस हाइपोथेटिकल लाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पॉजिटिव चार्ज का हम बनाते हैं तो बाहर की ओर होता है, क्या होगा, बाहर की। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर कुछ फील्ड लाइंस हैं, एक गोल सर्किल, एक सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल यहाँ खींच दिए, क्या गो लाइन है इसके अंदर, क्या गो लाइन है इस सर्किल के अंदर, और सेम इतना ही बड़ा सर्किल यहाँ खींचे, क्या गो लाइन है इसके अंदर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, यानी फोर्स ज्यादा लगाएगा वहां पर, और जितना कम फील्ड लाइंस होंगे मतलब फोर्स वहां कम। तो वो लगभग स्टडी बताता है, रिलेटिवली बताता है कि वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज हायर एंड वेयर इट इज लोअर, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा कहां लगेगा और कम कहां लगेगा, इसी को रिलेटिवली बताता है कौन, फील्ड लाइंस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इनवर्ड, क्या होगा, अंदर की ओर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा उस फोर्स के डायरेक्शन को ही यह फील्ड लाइंस बताता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ड, फील्ड लाइंस जहां ज्यादा होगा, यहां नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं, इनवर्ड, रुक जाइए, पॉजिटिव चार्ज वाला दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां ले रहा है माइनस क्यू, इसके फील्ड लाइंस क्या होंगे, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर क्या बता रहा है, एक्चुअली क्या बता रहा है। अच्छा, एक केस कंसीडर करिए, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखे, यहां पर उस पर फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, आउटवर्ड, इस पर फोर्स इधर लगेगा,
इस पर लगने वाले फोर्स को ही यह फील्ड लाइंस दिखाता है, इस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को ही यह फील्ड लाइंस दिखाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्या होगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर। तो बस फील्ड लाइंस सिर्फ यही दिखाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी फील्ड में रखें तो उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है, उसी फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा कौन, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यहां रख दिए, मान लिया पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव यानी वन कूलम का पॉजिटिव चार्ज, तो जितना इस पर फोर्स लगेगा वही फोर्स फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा इस पॉइंट का, क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा इस पॉइंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड देखे ना, तो एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी उस फील्ड का पावर कितना है, शक्ति कितना है उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई दिक्कत है, पॉजिटिव चार्ज का किधर होगा, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज का किधर होगा, कोई दिक्कत। अब फील्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फील्ड का, द फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of force acting on unit positive charge फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन दैट फील्ड इज कॉल्ड बहुत हो गया इसको तो करना जरूरी नहीं है यहाँ पर क्या क्योंकि हम लिए हैं द फील्ड स्ट्रेंथ नहीं समझे इस चीज को देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए अगर डाउट लग रहा है तो ध्यान दीजिए यह कोई चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव ठीक है इसमें किसी एक चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा ना जी लगेगा तो यहां पर किसी चार्ज को नहीं रखना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए
तो इस पर जितना फोर्स लगेगा वही इसका फील्ड स्ट्रेंथ होगा। इस पॉइंट के लिए फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहा ना, इसी चार्ज का रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगा, यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ अलग हो, लोकेशन बदला फील्ड स्ट्रेंथ बदला, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और फील्ड स्ट्रेंथ है क्या, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इस फील्ड में किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करिए और वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, उस पर कुछ फोर्स लगेगा, वही फोर्स का जो वैल्यू होगा उसका फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। और कोई डाउट मृणाल, इज इट क्लियर? नहीं, तो फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्या, पोटेंशियल, सीधे पोटेंशियल, डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल हो जाएगा फिर डिफरेंशियल। जब फील्ड समझ गए तो पोटेंशियल और इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखे हैं, लेकिन जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेज हैं, दूर से लगने वाले फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सभी में फील्ड हो। जो भी एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स हैं जो दूर से लग जाते हैं, उन सभी का क्या होगा, फील्ड हो। उन सभी के चारों तरफ क्या होगा, फील्ड। अर्थ के चारों तरफ यहाँ चौक रखे छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं, गिरा ना, क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिस फील्ड में लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, बस समझ रहे हैं। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स जहां भी लग रहा है ना, वहां कोई ना कोई फील्ड आपको, फील्ड क्या होगा, होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और जहां भी फील्ड होगा वहां पोटेंशियल भी होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वो बता रहे हैं, समझना है आपको, सभी फील्ड के लिए सेम चीज होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आप इसको देखिए, फोर्स किसको कहते हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, फोर्स एफ बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इनटू वर्क, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद आ गया ना, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलिए यहाँ पर हम लोग वर्क के, वर्क को फिर से लिखना है इसलिए रिकलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव लिखे, कितना चार्ज है वो हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो इसके चारों तरफ फील्ड होगा, कुछ फील्ड होगा ना। एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, उसका कहाँ तक लगता है पता है, कितना दूर तक फील्ड होता है उसका, एनीबडी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इनफाइनाइट होगा, इस चीज दिमाग में रखिएगा,
उसका वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, लेकिन फील्ड कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। पढ़े हो कहीं? हैं? अंदाजी बोले हो क्या? हैं? पढ़े हैं ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी इनफाइनाइट तक, मैग्नेटिक फील्ड भी इनफाइनाइट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट तक, यानी वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ चार्ज लिए तो क्या हुआ? अनंत तक इसका फील्ड है। अगर इसके फील्ड का वैल्यू जैसे ही दूरी बढ़ेगा नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। देखिए थोड़ा, सब लोग खा लिया? 5 मिनट में छोड़। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी वजह से क्या होगा? इसके चारों तरफ जो फील्ड होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो। ठीक है, चलिए यह डिस्टेंस क्या होगा मान लेते हैं, बहुत ज्यादा दूरी है इसलिए इसको क्या लें? इनफाइनाइट है। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज हम लें। ठीक है, क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। तो इनफाइनाइट से ज्यादा दूर तो नहीं ना जाएगा, फील्ड से बाहर धकेल देगा, क्योंकि रिपल्सन लग रहा है ना, तो फील्ड के बाहर धकेल देगा, लेकिन इनफाइनाइट से बाहर थोड़ा जाएगा। तो इनफाइनाइट पर ही चार्ज रुका हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ रुका हुआ है? इनफाइनाइट। ठीक, अब इस चार्ज को पकड़ के अगर हमको यहाँ लाना है, यहाँ पर, तो क्या करना? कुछ काम तो करना पड़ेगा, जबरदस्ती हमको लाना है ना यहाँ। वी हैव टू वर्क ऑन दिस चार्ज। ठीक है, बस वही है पोटेंशियल। क्या हुआ? यहां से पकड़ के इस चार्ज को यहां ले आइए, जितना काम करिएगा वही हो गया पोटेंशियल। किसका है? इस पॉइंट का। जैसे फील्ड अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होता है, उसी तरह से पोटेंशियल भी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन इलेक्ट्रिक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन ही पॉजिटिव होना चाहिए, टू नहीं, थ्री नहीं। अगर टू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आइए जितना वर्क हो उसको टू से डिवाइड करिए। टू यूनिट चार्ज है अगर यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, टू यूनिट को ले आइए, कुछ वर्क होगा, अब उस वर्क को टू से डिवाइड कर दीजिए, तो एक चार्ज के लिए हो जाएगा ना। बात समझ लीजिए, तो स्टैंडर्ड डिफाइन हम लोग करते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी डाउट? डिफाइन कर दीजिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a point in an electric field is called
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मुंह बना के किसी को नहीं बैठना है, ठीक है? एकदम जहां डाउट लगे पूछिए, पूछने में शिकायत नहीं होता है, नहीं पूछने में शिकायत होगा, पूछिएगा तो कोई शिकायत नहीं है और बड़ाई होता है, और नहीं पूछने में शिकायत होता है। अब देखिए, इन्फिनिटी से लाए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये एक चार्ज पार्टिकल है, इन्फिनिटी से लाए यहाँ ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये यहाँ तक लाए तो इसका पोटेंशियल हुआ, भी से डिनोट करते हैं, भी ये हो गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, और फिर बी पॉइंट पर लाए यहाँ से उठा के तो क्या हो गया, बी बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ठीक है? आ ए से बी तक लाए तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ तक अभी ए और बी एक ही लाइन में, ध्यान दीजिए ए और बी एक ही लाइन में है, अगर ए यहाँ है और बी यहाँ, तो यहाँ हो गया बी बी और यहाँ हो गया बी। और एक और बात जान लीजिए कि इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर इधर भी लीजिएगा, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी पोटेंशियल इक्वल डिस्टेंस पर आना चाहिए, किससे, ठीक है? तो यहाँ है तो भी मतलब वही है, यहाँ है तो भी सिर्फ इससे दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है? तो अब ए तक लाए तो हो गया बी, अब बी तक लाए तो हो गया बी बी, आ ए से बी पर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी ए बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफाइन क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट इन दैट फील्ड। अलग अलग फील्ड में सेम डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है? अभी पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ हम यहाँ क्या किए, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके बारे में और भी बताना है बहुत कुछ, है ना? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। खाना खा लीजिए, धन्यवाद।